राजस्थान में उपचुनावों पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है और इसी कड़ी में संवेदनशील बूथों पर लाइव वीडियोग्राफी का इंतजाम किया गया है। वहीं राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी अश्वनी भगत शनिवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने यहां होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान भगत ने अधिकारियों को आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि सर्विस वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर पेपर बैलेट द्वारा करीब 9000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। गौरतलब है कि किसी लोकसभा चुनाव में यह पहली बार इसका उपयोग किया जा रहा है और अब तक डाक मत पत्रों से ही वोटिंग हुआ करती थी। सभी प्रभारी अधिकारियों के साथ में वार्ता की गई, सबने अपनी अच्छी तैयारी की है। इस बार एक विशेष और नई चीज़ जो प्रयोग में लाने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फॉर सर्विस पर्सनल, यानी कि जो सेवारत हैं, आर्मी में, फोर्सेस में हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, तो ऐसे 9000 के आसपास वोटर्स अलवर ज़िले में हैं जिनके लिए ETPBS सिस्टम हम पहली बार प्रयोग करेंगे। ETPBS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। पहले क्या होता था कि इन सभी आर्म्ड फोर्सेस के लिए डाक से मतपत्र उनके हेडक्वार्टर भेजा जाता था जहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं, DO ऑफिस के द्वारा वहाँ पे वो मतदान करते थे, फिर वो डाक से वापस आता था। कई बार ऐसा होता था कि जिस दिन मतगणना होती थी तब तक सारे पोस्टल बैलेट्स रिसीव नहीं हो पाते थे और हमारी परसेंटेज बहुत कम हो जाती थी, ऐसे आर्म फोर्सेस की मतगणना हम नहीं कर पाते थे। इसी चीज़ को सुधारने के लिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये ETPBS व्यवस्था की है। उधर पत्रकारों से बातचीत में भगत का कहना था कि संवेदनशील 499 बूथों में से 199 अति संवेदनशील बूथ है जहां वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके तहत लाइव वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। इस पर अधिकारी जयपुर और अलवर से निगाहें रखेंगे। साथ ही अलवर सीमा से लगते हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूह मेवात पर विशेष निगरानी के लिए 26 नाके बनाए गए हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की 25 कंपनियों सहित पुलिस और होमगार्ड के जवान मोर्चा संभालेंगे। चुनाव से पहले सभी तैयारियों को चेक करने के लिए मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर राजन विशाल और SP राहुल प्रकाश भी मौजूद रहे। सबसे क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं वो 499 हैं। इन 499 क्रिटिकल बूथ्स में 190 बूथों पे जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वहाँ पे हम वेब कास्टिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। वेब कास्टिंग यानी कि जितने देर तक वहाँ पे मतदान चलेगा वहाँ पे वीडियो कैमरा के माध्यम से यहाँ अलवर में, जयपुर में और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन तीनों जगह पे वो दिखता रहेगा कि भाई वहाँ पे किस प्रकार से मतदान हो रहा है, कोई अनियमितता तो नहीं हो रही, कोई वायलेंस तो नहीं हो रहा, कोई बदमाशी तो नहीं। 190 तो ये हमारे टोटल बूथ्स का यानी 1900 करीब बूथ हमारे उसका 10% है अति संवेदनशील। अब आपने पूछी कि हरियाणा बॉर्डर है तो हम सबको विदित है कि लगभग 200 किलोमीटर का हरियाणा बॉर्डर हमारा लगता है। तीन जिले हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूह मेवात वो हमारे ज़िले से टच करते हैं और वहाँ के लोगों का यहाँ आना, यहाँ के लोगों का वहाँ जाना निरंतर रूप से जारी रहता है। लेकिन इलेक्शन के टाइम में सिर्फ जो वोटर है उस क्षेत्र का, उसके अलावा किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित है। उस एरिया में उसको नहीं रहना चाहिए वोटिंग के दिन। वोटिंग इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए 26 नाके लगाए गए हैं जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे, वो ये इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार के अवांछित व्यक्ति का प्रवेश अलवर ज़िले में वोटिंग के दिन ना होने पाए, कोई अवांछित वाहन यहाँ एंटर ना करने पाए और कोई अवांछित वस्तु जैसे कि शराब या और कोई चीज़ वो भी इसमें ना एंटर करें, ये व्यवस्था।
उधर तिजारा पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। 29 जनवरी को उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जवानों सहित जैन मंदिर होते हुए मुख्य बाजार में से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान थाना अधिकारी हेमराज सिंह भी मौजूद रहे। चुनाव की तैयारियों को लेकर और जनता भयमुक्त वातावरण में वोटिंग कर सके जी, इसके लिए आरएसी की कंपनी के साथ तिजारा कस्बे में और क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया जी। लोगों को शांति से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए किया गया।